नमस्कार जोहार, मैं हूँ पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस। मेरे साथ हैं देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं, छात्र के लिए, छात्र के हित में काम करते हैं। जोहार दादा, बहुत बहुत जोहार, जय झारखंड। आज जो आप लोग 60-40 को लेकर विधानसभा घेराव का कुछ प्रावधान रखे, मतलब काम करने के लिए सोच रहे थे, तो क्या रणनीति बनी? जी, हम लोग आगामी 20 मार्च 2023 सोमवार को विधानसभा महाघेराव का कार्यक्रम तय किए हैं और इसकी तैयारी लगभग हम लोग का पूर्ण में हो चुका है। और हम लोग का रणनीति इस बार यह है कि अब तक का सबसे ज़बरदस्त आंदोलन होगा लेकिन हमारा जो आंदोलन का घोषणा है, इस आंदोलन को यहाँ की सरकार सीरियस और गंभीर लेते हुए हम लोग को मालूम चल रहा है। और हम लोग का घोषणा मात्र को सीरियस लेते हुए कल सत्ता पक्ष का सर्वदलीय बैठक भी हुआ था और उस बैठक के माध्यम से निर्णय लिया गया है कि आज मुख्यमंत्री महोदय नियोजन नीति के मामले पर अपना स्पष्ट करेंगे कि 60 क्या है, 40 क्या है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं और उम्मीद भरे निगाहों से, टकटकी नज़रों से देख भी रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि कब ऑन कैमरा आएंगे और सदन के अंदर अपना स्पष्ट करेंगे नियोजन नीति के मामले पर। चूँकि 60 और 40 अभी तक तो जैसे हम लोग को समझ में आ रहा है कि 60 भी बाहरी, 40 भी बाहरी। 60 में बाहरियों का महामिश्रण और 40 शुद्ध रूप से बाहरी, क्योंकि अभी जो स्थानीय प्रमाण पत्र बनता है इसका 6 आधार है। बाहरियों लोग का एंट्री करने का 6 दरवाज़ा है जिसमें दरवाज़ा एक है कि चलिए खतियानधारियों के लिए, झारखंड के लिए एक है, झारखंडियों के लिए ठीक है, लेकिन जैसे अगला दरवाज़ा हम लोग जाते हैं तो वहाँ ये प्रावधान है कि जो यहाँ विधि और न्यायिक पद में कार्यरत हैं झारखंडी क्षेत्र में, चाहे कहीं का हो, वो झारखंडी है तो वो 60% में आएंगे। तीसरा पॉइंट में हम लोग जाते हैं तो जो भारत सरकार के अधिकारी कर्मचारी कहीं का भी हो, अगर झारखंड क्षेत्र में कार्यरत है तो वो झारखंडी, मतलब उसका स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा, वो 60% में आएंगे। जैसे चौथा पॉइंट में जाते हैं तो झारखंड सरकार के अंतर्गत कहीं का भी रहे, अगर यहाँ अधिकारी पदाधिकारी हैं तो उसके बेटा बेटी का यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा, मतलब वो झारखंडी, वो 60% में आएंगे। इसका अगला पॉइंट में हम लोग जाते हैं तो जो यहाँ झारखंड में जन्म लिया या जो यहाँ शिक्षा प्राप्त किया वो झारखंडी, मतलब उसका यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा, वो 60% में आएंगे, मतलब महामिश्रण है बाहरियों का। और जो 40% है शुद्ध रूप से, अगर ये तमाम चीज़ों को बैरियर लगाते हुए खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करते हुए पूर्ण रूप से जब वैकेंसी निकलेगा, जब फॉर्म भराया जाएगा और उस फॉर्म भरने के साथ साथ उसमें अगर यहाँ के स्थानीय प्रमाण पत्र पत्रांक संख्या भरना अनिवार्य कर देगा तो हम लोग स्वागत करेंगे। और अन्यथा इस अनुरूप, अगर हम लोग के अनुरूप अगर मुख्यमंत्री महोदय का नियोजन नीति लागू नहीं होगा तो निश्चित ही हम लोग का निर्धारित कार्यक्रम में बहुत ही ऐतिहासिक घेराव होगा। जी, अगर 60-40 आज परिभाषित सरकार नहीं करती है कि कौन क्या है तो 20 तारीख को विधानसभा घेराव तय है। बिल्कुल, वो रणनीति तय है, हम लोग का तैयारी भी पूर्ण है। जी, बस हम लोग जो है कि चूंकि हम लोग कोई पक्ष और विपक्ष और कोई राजनीति करने वाले नहीं है, हम लोग छात्र हैं और हम लोग छात्र लोग हमेशा जो है कि राजनीतिक से दूर रह के शुद्ध रूप से अपना हक अधिकार को मांगते हुए आंदोलन करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग सरकार का इंतजार कर रहे हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा कि 20 तारीख के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में? फिलहाल युवाओं का खास मेरा मैसेज यही है कि हम आप तमाम युवाओं का जो एकजुटता और जो आंदोलन का रूपरेखा है, इसको सरकार फिलहाल गंभीरता से लेते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाया है और आज सदन पे स्पष्ट करने वाले हैं, तो उसका थोड़ा सा हम लोग इंतज़ार करते हैं। और जिस प्रकार हमने पूर्व से मंगाया कि हम लोग के अनुरूप अगर नियोजन नीति बनाई जाती है तो निश्चित ही हम लोग स्वागत करेंगे, अन्यथा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोग आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे। यही मेरा मैसेज है, आप लोग आज शाम तक का इंतजार करिए, उसके बाद आप लोग के प्रेस मीडिया के माध्यम से बाकी जानकारी दे दिया जाएगा। जी, जोहार जोहार जोहार। तो छात्र नेता देवेंद्र नाथ जी से हम लोगों ने से बात करके ये स्पष्ट पता चला है कि सरकार कहीं ना कहीं 60-40 को गंभीरता से ले रही है। अगर आज के बातों से स्पष्ट नहीं होता है कि 60-40 आखिर किन लोगों के लिए है तो विधानसभा घेराव 20